हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना और मैं आपके सामने लेकर आई हूं ऑडियो लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री में पार्ट 3, जिसमें आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता और उससे पहले जो कि युग पाषाण युग चल रहा था और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसके बारे में हमने देखा था। जो जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हमने देखे थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आगे आ सकते हैं वो हमने देखे थे। तो आज हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता, इसका पार्ट 3। और हिस्ट्री हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। बस जब भी आपको खाली टाइम मिले, आप ये जो भी मैं करा रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की ऑडियो लेक्चर्स, वो आप बस अपने कान में लीड लगा के इसे सुनिए और अपनी हिस्ट्री की तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिए। तो ऑडियो लेक्चर शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन इसमें जो IAS 1999 और UPPSC 1999 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, आर्य शब्द जो श्रेष्ठ जाति को बताता है। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्य शब्द जो कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आया एक शब्द है, इसका विभाजन कैसे कालों में किया गया है। मतलब कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग वैदिक काल है एक, जिसकी जो डेट हम बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और सेकंड है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में इसका निर्धारण किया गया है। इसके बारे में और जो फैक्ट्स हैं वो हैं, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान वो मध्य एशिया बताया है। आर्यों ज्यादा जो निर्मित सभ्यता थी वो ही वैदिक सभ्यता कहलाई, और आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो शहरी ना होकर ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा इनकी थी संस्कृत। आर्यों ने जो प्रशासनिक इकाई थी उन्हें 5 भागों में बांट रखा था, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी उसमें बहुत प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द क्या इंगित करता है। ये यूपी लोअर में पूछा गया 1998 का क्वेश्चन है। तो आर्य शब्द का, जैसे कि हमने श्रेष्ठ जाति वही कहा, तो वही उत्तम पुरुष की तरफ इंगित करता है आर्य शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, UPPSC 1995, उत्तराखंड 2010 और उत्तराखंड UDA में 2007 में पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये लाइन से हमने बताया आपको, तो सर्वाधिक पुराना ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन भी यही माना जाता है। त्रयी किसका नाम है, तो त्रयी तीनों वेदों का नाम है। तीन वेद मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अर्थवेद उसमें बाद में आया है। तो तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये UPPSC 2010 का क्वेश्चन था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम मिलता है, तो वर्ण शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में इंगित किया गया है। ये उत्तराखंड 2012 का क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। तो सबसे पहले अर्थवेद, अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात करें तो वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। इसमें संगीत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाएं पाई जाती हैं, यजुर्वेद में
श्रोत और कर्म कांड पाए जाते हैं, सामवेद में संगीत में श्रोत पाए जाते हैं, और अर्थवेद में तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में जानकारी दी जाती है। अब यही एक क्वेश्चन पूछा गया झारखंड पीएससी में 2011 में कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, जिसका मैंने अभी आपको विस्तार ऊपर क्वेश्चन में बताया। तो ये अर्थवेद में जादुई और माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 1028 ऋचाएं ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद किसका संकलन है, तो ऋग्वेद श्रोतों का संकलन है। कौन सा उपवेद किसके साथ सम्मिलित है, तो ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद पंचविश से संबंधित है, अर्थवेद गौपद ब्राह्मण से संबंधित है, और यजुर्वेद सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ऐसे ही गौपद ब्राह्मण से संबंधित कौन सा वेद है, तो गौपद से जैसे कि हमने बताया अभी अर्थवेद संबंधित है। ये UPROARO 2014 का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को समर्पित मंडल नौवां मंडल है। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो अभी हमने बात की इसकी सोम और इसके पेय पर नामकृत देवता के, ये बिहार पीएससी 1995 का क्वेश्चन है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, तो यजुर्वेद से चलता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद है, जिसमें 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में से ही लिए गए हैं। और सामवेद की तीन मुख्य शाखाएं भी हैं, ये हैं कौमुथीय, राणायणीय और जैमिनीय। आगे हम बात करते हैं इसमें सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी रथनी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ऐसे ही पुरप, दुर्गपति और स्पष्ट जो होते थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये जो मेन वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र होते थे, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे, उग्र जो कि अपराधियों को पकड़ते थे। ऐसे ही मैं यहाँ पर दिशा के बारे में बताती हूँ आपको, उत्तर वैदिक शब्द क्या थे उसके लिए और उसके राजा का क्या नाम था। जैसे कि पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द उसे प्राची कहते थे और राजा का नाम सम्राट कहते थे। पश्चिम में प्रतीची दिशा उत्तर वैदिक शब्द था और स्वराष्ट्र राजा का नाम था। उत्तर में उत्तर दिशा का जो नाम था, उत्तर वैदिक शब्द था, वो था उदीची और विराट कहा जाता था राजा को। मध्य में राजा का नाम था राजा और दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह का न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थीं। युद्ध अगर कभी होता था तो कबीले का नेतृत्व जो राजा करता था। युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था गाविष्टि, और इस गाविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज करना। दशराज के युद्ध का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी नदी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हमने इसकी बात की थी, सोम और इसके पेयर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है, किस वेद से? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। ये आरएएस 1999 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह युग के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरंजी खेड़ा की खुदाई में लोह धातु के, लोहे के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और अंतरंजी खेड़ा जो है वो है उत्तर प्रदेश में शामिल एक जगह का नाम है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन होता है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है, ऋग्वेद परिवर्ती संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलती। ये UPSC 2003 मेंस का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये है कठोपनिषद में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, IAS 1997, UPPSC 1999 और UPUDA 2002, उत्तराखंड PSC 2005। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद। नचिकेता व्याख्यान का उल्लेख मिलता है, कठोपनिषद आंसर। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? तो वो थे कैकेय के शासक। सही क्रम हमें बताना है कि वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम क्या था। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई थी जिसे वेद भी कहा जाता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, फिर अरण्यक आए थे और फिर उपनिषद आए थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है। ये IAS 1996 का क्वेश्चन है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी को चेनाब नदी कहा जाता है। ये UPPSC 2010 का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कुभा या कर्मू नदी है जो कि अफगानिस्तान में बहती है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो ये अफगानिस्तान में, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यों का जो समाज था, समाज के बारे में देखते हैं कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार या कुल होती थी और इसका मुखिया होता था पिता और इसे कुलप कहा जाता था, जो मुखिया होता था उसे। स्त्रियां इस काल में अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, जैसे कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णी। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निवी कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी, महापुराणों की संख्या 18 थी और वेदांगों की संख्या 6। ऐसे ही हम कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि चार्वाक दर्शक के प्रवर्तक थे चार्वाक ऋषि, योग दर्शक के प्रवर्तक थे पतंजलि ऋषि,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल ऋषि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक, ये इसके प्रवर्तक थे। आर्यों का जो मनोरंजन का मुख्य साधन था वो संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्या कहा जाता था, इसका मतलब है ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसे रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला जो व्यक्ति है वो पणी कहलाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति बैंकनोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी और सबसे ज्यादा बार जो जिसका वर्णन हुआ है वो थी सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का तीन बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऋग्वेद के नदियों के जो प्राचीन नाम थे और उसको आज के टाइम में क्या कहा जाता है। जैसे कि कुभ्र नदी थी प्राचीन नाम और उसको आज कुर्रम कहा जाता है। ऐसे ही कुभा नदी को काबुल कहा जाता है। वितस्ता नदी को झेलम कहा जाता है। आस्किनी नदी को चिनाब कहा जाता है। परुषणी नदी रावी कहलाती है। शत्रुदी नदी सतलुज कहलाती है। विपाशा नदी व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यधृति घग्घर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात नदी कहलाती है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। पहले जब ऋग्वैदिक काल था तब इंद्र प्रमुख देवता थे। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो प्रजापति प्रिय देवता बन गए। अब यहाँ मैं बताऊंगी देवता और वो किससे संबंधित थे। ऋग्वैदिक काली जो जो देवताओं के नाम हैं और वो किस फील्ड से संबंधित थे, मतलब किस एरिया के देवता थे, वो इसके बारे में देखेंगे। इंद्र देवता युद्ध का नेता थे और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता, ये वरुण देवता थे। धौ देवता, इसे आकाश का देवता कहा जाता है और ये सबसे प्राचीन थे। सोम देवता, वनस्पति देवता इन्हें कहा जाता है। उषा प्रगति और उत्थान के देवता थे। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान के देवता। तो ये देवताओं के नाम थे और वो किससे संबंधित थे उसके बारे में हमने देखा। आगे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगी। वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें पहला तत्व प्रकृति का है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है।
जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, महाकाव्य हमारे दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पेपर में कैसे आए हुए हैं। जैसे कि यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि वैदिक नदियों के नाम है और उसके आधुनिक नाम क्या है, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था, उसको मैच करना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। कुभा नदी को काबुल कहा जाता है, परुषणी को रावी, सदानीरा को गंडक और शत्रुधि को सतलुज नदी कहा जाता है। इस प्रथा हमें बतानी है कि वेदोत्तर काल में चतुष्टय प्रथा कौन सी प्रचलित थी। तो ये प्रथा थी जो चार आश्रम हुआ करते थे, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों यहाँ पर आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित उनका माना जाता था। तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो ये लोपा मुद्रा थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, और लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किसके लिए हुआ, तो वो सिक्कों के लिए हुआ, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण माना जाता था। तो यूपीपीएससी मेंस 2007 का क्वेश्चन, तो गले का आभूषण निष्क माना जाता था। प्राचीन काल में निशाका क्या होते थे, तो निशाका होते थे स्वर्ण आभूषण। ये यूपीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। बुगास गोई क्या है इनमें से, तो बुगास कोई है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख हुआ है, और ये एशिया माइनर स्थित बोगास कोई है। ये 14वीं शताब्दी में यहाँ कुछ अभिलेख मिले हैं, और यहाँ ऐसे राजाओं के नाम मिले हैं जिनका नाम आर्यों जैसा था और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का आह्वान करते थे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपीपीएससी 1996 और बिहार पीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो ये बोगास कोई का ही अभिलेख है जो कि 1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था, जिसके बारे में अभी हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तो बाल गंगा तिलक ने लिखा है कि आर्य आदि देश से आए हुए थे, जो कि आदि देश उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है, लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने इस मत को माना नहीं है, मान्यता नहीं दी है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। ये यूपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे। तो ऋषि गौतम रहुगण ये संबंधित थे राजा विदेत माधव से। ये यूपीपीएससी लोअर 2015 का क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संगीत संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो अंग और मगध दो ऐसे राज्य थे जिनको आर्य संस्कृति का धुरी समझी जाती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है ऋग्वेद में।
पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। ये आईएएस 2012 का क्वेश्चन है। ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ये बलि और कर्म कांड में विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये पुरुषणी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था। आगे हम देख लेते हैं, किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा या नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन सी जाति संबंधित है? तो ये जातियाँ हैं यदु, दुहयु, पुरु, अनु और तुर्वशु, ये संबंधित है ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से। एक बार और नाम बता दूं, यदु, दुहर्यु, पुरु, अनु और तुर्वशु। आगे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता था? तो यव को जौ कहा जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र था उस समय। वैदिक सभा एक मंत्री परिषद, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सभा और समिति नामक दो संस्थाएं काम करती थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसको हमने अभी देखा था, यूपीपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। तो अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वैदिक ऋग्वैदिक धर्म क्या था इनमें से? तो ये बहुदेववादी था, वहाँ पर बहुत से देवताओं का उल्लेख है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। उस इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? अग्नि से संबंधित सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेदिक में युद्ध का देवता, अभी हमने देवताओं के बारे में बात की, तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो वो भी इंद्र ही थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल। ऐसे ही बात कर लेते हैं, तो सातवीं या छठी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि हम ऐसे बात करें कि छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहलाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सविता नामक सूर्य देवता से समर्पित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो वही सेम आंसर, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? तो ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की संख्या कितनी? तो 18 है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत भाषा में लिखी है। महाभारत किस रूप में मानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में मानी जाती है मूल रूप से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है पुष्कर नामक सर्प ने। ये उत्तराखंड 2007 का क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय से। धर्मशास्त्र के समय मतलब कि सूत्र काल में अछूतों की अवधारणा शुरू हो गई थी। सत्यमेव जयते,
किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतमी के शिष्य थे। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान की ये धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, ईरान का, ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अघन्या किस जानवर को कहा जाता था? तो गाय को माना जाता था। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसी टाइप का क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग कहाँ हुआ है? गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद के प्रारंभ में, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16 संस्कार। मैं संस्कारों के एक बार नाम बता देती हूँ, गर्भाधान, पुंशवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूराकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। ऐसे ही पुरोहित का कार्य कर्म कांडों को समर्पित मतलब कि संपादित करना होता था। अर्धवर्यु जो थे वो वैदिक काल में वैदिक यज्ञ के अवसर पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था और कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार करता था। तो आज हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल देखी, काफ़ी अच्छे से हमने पूरा ये वैदिक सभ्यता कवर किया है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। तो होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।